हाय गाइस, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम योर यूट्यूब वीडियोस एंड ऑडियोज। अब कैसे कोई भी वीडियो ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज को कम्प्लीटली रिमूव करना है विद नॉइज रिड्यूशन। ये नॉइज रिड्यूशन है क्या? नॉइज रिड्यूशन एक सिंपल सा इफेक्ट है जिससे आप ऑडियो पर अप्लाई करते हो तो आपका ऑडियो का काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस रिमूव हो जाता है, जो आपको ऑडियो क्वालिटी को और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। इसका मतलब है वीडियो देखने वाले का ऑडियो सुनने वाले को साउंड ऑडियो क्वालिटी बेटर लगता है जब कोई विदाउट नॉइज आपको वीडियो ऑडियो सुनेगा। सो इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो भी जान लेते हैं। ऑफकोर्स आज हम जो सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो कम्प्लीटली फ्री है ताकि इसको हर कोई यूज कर सके। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाले हैं, तो आप वीडियो को इन तक देखते रहना। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे। जो ऑडियो सुना के आपको दिखाता हूँ, जो आप अभी सुन रहे हो विथ नॉइज। आई डोंट फॉल इन लव, सीरियसली आई एम नॉट मच ऑफ लवर। Because you will say I love you when I will say thanks a lot and run away. I was in 9th grade, I saw interesting something more. I was in canteen that time. That was in school in 11th when I realized that I just is somewhere else too. I will have to miss somewhere sometimes. It's probably dead fight for some more. Abhi aap ऑडियो सुन रहे हो विदाउट नॉइज। अभी आप ध्यान से इस विदाउट नॉइज ऑडियो को सुन लीजिए। आई डोंट फॉल इन लव, सीरियसली आई एम नॉट मच ऑफ लवर। बिकॉज यू विल से आई लव यू व्हेन आई विल से थैंक्स अ लॉट एंड रन अवे। आई वाज इन 9th दैट आई सॉ इंटरेस्टिंग समथिंग मोर। आई वाज इन कैंटीन दैट टाइम। दैट वाज इन स्कूल In 11th, when I realized that I just is somewhere else too. I will have to miss somewhere sometimes. It's probably dead fight for some more. आपने दोनों ऑडियो सुन लिया है, सो विथ नॉइज और विदाउट नॉइज दोनों ऑडियो को सुन लिया है। इसमें दोनों ऑडियो में जो डिफरेंस था आपने देख सकते हो, जो उसका डिफरेंस का रिजल्ट कैसा आ गया आप खुद देख सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप है इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है। तो बैकग्राउंड रिज्यूम, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। इस सॉफ्टवेयर हम गूगल से लेने वाले हैं। आप गूगल में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो, सो आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो उससे हम चूज करने वाले है। उसके लिए आप कोई भी ब्राउजर को ऑन करके न्यू टैब ओपन कीजिए। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको गूगल में जाके सर्च करना होगा ऑडियो नॉइज रिमूवर ऑनलाइन। आप इसको सर्च कीजिए ऑडियो नॉइज रिमूवर ऑनलाइन। सर्च करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगा audionoise.com, रिमूव नॉइज फ्रॉम ऑडियो फाइल्स ऑनलाइन। तो आप इसको ओपन करना होगा, तो इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये वाला साइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका जो नीचे वाला थोड़ा नीचे जाइए, इसमें सेटिंग है, आप कोई भी सेटिंग आप इसको सेटिंग कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अमाउंट ऑफ नॉइज रिड्यूशन कम कर देता हूँ। ब्लॉक साइज को भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, नॉइज ट्रैकिंग को भी कम कर देता हूँ। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से आप इसको ज्यादा और कम कर सकते हो। तो उसके बाद आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। चूज फाइल में ये ऑप्शन, चूज फाइल में जाके इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक
क्लिक करने के बाद ये आपको फाइल के तरफ लेके जाएगा। आपको फाइल इधर है, आपको फाइल को ऑडियो को लेके इधर अपलोड कर सकते हो। तो मैं इसको ऑडियो को अपलोड कर देता हूँ। ये वाला मेरा ऑडियो का फाइल है, इसको मैंने अपलोड किया है। फाइल का नाम दिया था, ये फाइल का नाम है, इसको अपलोड किया। अभी अपलोड करने के बाद इसको स्टार्ट में क्लिक कीजिए, तभी आपको फाइल जो ऑडियो रिड्यूस ऑडियो बैकग्राउंड नॉइज जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसमें मैं स्टार्ट में क्लिक कर देता हूँ। अभी क्लिक करने के बाद आपको इस कुछ टाइम आपको लग जाएगा, कम से कम आपको फाइल का जितना एमबी का फाइल है उतने ज्यादा टाइम आपको लगेगा। आप नीचे देख सकते हो जो अपलोडिंग कितना परसेंट अपलोडिंग हो गया, आपको राइट लेफ्ट साइड का नीचे में आपको देख जाएगा। अभी ऑन पोर्शन इसको लोडिंग हो रहा है। अब देखिए ये फाइल छोटा था इसलिए फाइल ऑलमोस्ट इसको लोड हो गया है। तो रिमूव बैकग्राउंड नॉइज था वो रिमूव हो गया है। आप देख सकते हो इधर जो प्रोसेस में जो ऊपर दो फाइल है, इधर ये ऊपर वाला फाइल लिख गया और नीचे वाला फाइल लिख गया। ऊपर वाला फाइल जो ओरिजिनल फाइल है जो उसमें इसमें आपको बैकग्राउंड मिलेगा, बैकग्राउंड नॉइज मिलेगा। जो नीचे वाला फाइल है इसमें बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो गया है। तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करके आपको दोनों फाइल को मैं सुना के दिखाता हूँ, जो ओरिजिनल फाइल विथ बैकग्राउंड नॉइज और विदाउट बैकग्राउंड नॉइज को दोनों फाइल को आपने आपको सुना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको जो रिमूव हो गया बैकग्राउंड फाइल जो फाइल था इसको जो बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो गया इसको मैं पहले डाउनलोड कर देता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए आप नीचे देख सकते हो तो ये डाउनलोड हो रहा है, आप देख सकते हो इधर। अभी देखिए ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं ओपन कर देता हूँ, इसको फाइल में जाके इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक ये होना हो गया। आप इसको फाइल को कहीं भी लेके जाके आप इसको सेव भी कर सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करके जो ऑडियो डाउनलोड किया था उसको डेस्कटॉप में लेके सेव किया था। अभी आप कोई वीडियो और कोई भी साइट में लेके जाके इस ऑडियो को आप ऐड कर सकते हो। कोई भी आपका जो यूट्यूब का वीडियो कोई भी वीडियो बना के इसी तरह से वीडियो बना के आपको जो मैंने आइडिया देती हूँ इसी तरह से आप ऑडियो को ऑडियो बैकग्राउंड रिमूव करके वीडियो में इस ऑडियो को अटैच करके आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतने ही, वीडियो कैसे लगा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।